फिजियो क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। बेल्स पेल्सी मैनेजमेंट सीरीज की दूसरी वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं आई टेपिंग के बारे में। बेल्स पेल्सी मैनेजमेंट में आई केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एज अ थेरेपिस्ट हम अपने पेशेंट्स को दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को टैकल करना सिखाते हैं, जिसमें से पहली है इनकम्प्लीट आई क्लोजर, यानी कि आंखों को पूरी तरह से बंद ना कर पाना, और दूसरा होता है ड्राइनेस ऑफ आई, यानी कि आंखों में सूखापन होना। अगर बेल्स पेल्सी के पेशेंट में आई केयर प्रॉपरली ना की जाए तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर आई में इन्फेक्शन होने के चांसेस, स्कारिंग होना या लॉस ऑफ विजन तक होने के चांसेस हो जाते हैं। एज अ थेरेपिस्ट हम अपने बेल्स पेल्सी के पेशेंट्स को दो इंपॉर्टेंट एडवाइसेस देते हैं जिससे कि वो अपने आई केयर प्रॉपरली कर पाए। वन इज प्रॉपर आई ल्यूब्रिकेशन एंड सेकेंड इज गुड आई टेपिंग। बेल्स पेल्सी के पेशेंट्स को फिजिशियंस आई ड्रॉप्स और आई ल्यूब्रिकेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि आंखों में नमी बनी रहे। एज अ थेरेपिस्ट हम उनको ये एडवाइस देते हैं कि आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल वो दिन में बार बार करते रहें और आई ल्यूब्रिकेंट्स को रात में सोने से पहले अप्लाई करें। बेल्स पेल्सी के पेशेंट को आई टेपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली बिफोर द पेशेंट गोज टू स्लीप। ऐसा इसलिए है ताकि वो रात भर अपनी आंखों को आराम दे सके और रात में जो उसने ल्यूब्रिकेंट अप्लाई किया है वो उसकी आंखों में बना रहे। तो आज के वीडियो में मेरे साथ हैं मेरी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट नेहा जावा, जो आपको बताएंगी कि आई टेपिंग कैसे करनी चाहिए। जो सबसे कॉमन आई टेपिंग या आई पैचिंग टेक्निक बेल्स पेल्सी के पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, उसमें पेशेंट को बता दिया जाता है कि वो अपनी आई को सिंपली किसी भी चीज़ से कवर कर ले, जैसे किसी पैच से या गॉज से, कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर वो किसी भी टेप को अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस टेक्निक में जो इशू है या जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप पेशेंट की अपर आईलिड को तो क्लोज कर देते हैं लेकिन जो उसकी लोअर आईलिड रहती है वो फिर भी ड्रूप्ड पोजीशन में या गिरी हुई पोजीशन में ही रहती है, जिससे कि पेशेंट का जो आई क्लोजर है वो इनएफिशिएंट रहता है। तो नेहा, आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि अपर और लोअर आईलिड को बेस्ट वे में कैसे टेप कर सकते हैं। इस टेपिंग टेक्निक को आप रात में सोने से पहले यूज़ करें और सुबह उठने के बाद टेप को जैसा बताया गया है उसी तरह से रिमूव कर दें। बेल्स पेल्सी मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रोल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन इन बेल्स पेल्सी। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे कनेक्टेड।